पढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक के गांव देवीपुरा पहुंची। इस गांव के प्रधान कल्लू हैं। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इन्होंने प्रधान पद पर रहते हुए गांव की जिम्मेदारी समझी है, इसलिए लगातार गांव के प्रधान चुने जाते हैं। इन्होंने गांव में अच्छा विकास कराया है। इनका कहना है कि विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। इन्होंने 4 वर्षों में कितना विकास कराया है और अभी भी क्या समस्याएं यहां बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान की। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के देवीपुरा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए अब तक? शीशियाँ डलवाई हैं सरकार द्वारा, 14 वित्त का पैसा मिला है राज्य का, उससे शीशियाँ डलवाई हैं और नालियाँ बनवाई हैं और हमारे यहाँ और एक तोहफा मिला है सरकार द्वारा जी, पानी की जल निगम की टंकी मिली है। जल निगम का कार्य चल रहा है, पाइप लाइन दब चुकी है पर टंकी बन रही है जी। और जो मनरेगा से नाले वाले बनवाए हैं, मनरेगा से तालाब वालाब में काम कराया है और स्कूलों की दो स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं उनमें टाइल्स का कार्य कराया गया है। जो टूट फूट थी उसकी वो मरम्मत कराई काफी तरीके से। आवास वगैरह मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास वगैरह इस साल नहीं मिले हैं, पिछले 5 साल में मिले थे। इस साल में सूची बनी है 2018 में। अभी आवास परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? कम से कम ऐसी 40 परिवार ऐसे दोनों गाँव में जिन्हें आवासों की जरूरत है। ODF हो गई ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत ODF हो गई, शौचालय मिले थे, जो रह गए थे लोग उनके बन गए हैं जी। यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है सभी को? सरकारी योजनाओं का सरकारी योजना चला रही है, क्या सब लोगों को मिल पा रहा है? हाँ, बिजली का जो बिजली अब तो काफी लाइट आ रही है, लाइट काफी आ रही है। और दूसरी बात, जो गैस कनेक्शन है वो भी घर घर मिले हैं जी। और जो सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर है आपकी? हाँ, बारात घर नहीं है, पंचायत घर भी नहीं है। बारात घर पंचायत घर नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। आंगनबाड़ी केंद्र है, एक गांव में है, एक में खेल का मैदान नहीं है। शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान तो है। शमशान घाट की बिल्डिंग नहीं बनी है, जो उसमें अंतिम संस्कार करने की जगह होती है, स्थान वो बना नहीं है। कार्ययोजना में नाम शामिल किया है मैंने, अगर पैसा मिला तो अगली किस्त में मेरी सोच रहा हूँ को उसे बनवा दूँ। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या आप सरकार से प्रमुख मांग रखना चाहते हैं? बस हम यही कह रहे हैं कि बारात घर हो जाए, जैसे मान लो आंगनबाड़ी केंद्र एक गांव में रह गया बनने से वो बन जाए, और खेल का मैदान है वो बन जाए जी, पंचायत घर बन जाए। कितना मीटर रास्ता यहाँ भी कच्चा होगा? अभी बस लमसम कच्चा रास्ता, फ्रंजल समय लमसम हो ही चुके हैं, थोड़े ही रास्ते कच्चे हैं। अब पैसा पड़ा खाते हैं वो खर्च करा जाएगा और चल जाए काम जी। थोड़े से मेजर तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में जो काम जो है, 2-1 साल के बाद ही काम जो है कच्चा रास्ता को बचेगा, पक्का हो जाएगा। 2-1 साल कच्चा रास्ता को बच नहीं पाएगा। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहते हैं सरकार से? यदि आपकी गांव में सरकार से यही कहना चाहते हैं, बस समस्या तो एक थी कि 3500 रुपये मानदेय ना मिले और लाइफ टाइम के लिए कुछ मिल जाए, मतलब ये जैसे पेंशन होती है पेंशन मिल जाए बस। आप चाहते हैं कि प्रधानों का जो ये मानदेय है ये मिले या ना मिले? ये मिले या ना मिले जी, एक आजीवन आपको सुरक्षित कवच मिल जाए जिससे आजीवन आए आपको या आपके परिवार को होती रहे सरकार। जो आप विधायक हैं उन 80,000 रुपए की मिल रही कम बाद में जी, पेंशन मिल रही है 80,000 रुपए की जी। सांसदों को 1 लाख की 1.5 लाख की मिल रही है। आप चाहते हैं कि प्रधान जो आदमी 10 साल पब्लिक के बीच में रहा हो क्या उस पर मजदूरी करेगा जी, कहाँ जाएगा बताओ? ये प्रधान पद प्रधान जी ऐसा तो कम से कम 5,000-7,000 अगर हो तो उससे अपना गुजर बसर तो करो, पूरी जिंदगी तो कोई पद पर रहेगा नहीं जी। तो कहें ये ना मिले भले ही, इसकी कोई तमन्ना नहीं, मगर लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जी, या तो जनप्रतिनिधि बना सरकार और बनाए तो उसका ख्याल रखें। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान यहाँ प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास यहाँ इनके कार्यकाल में नहीं मिले हैं, लेकिन शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। 40 गरीब पात्र यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रधान ने बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान और आंगनवाड़ी के निर्माण के लिए प्रमुख मांग रखी है। अंत्येष्टि स्थल जो अभी बना नहीं है उसके लिए प्रधान चाहते हैं कि यदि इस साल उन्हें किस्त मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो उसके निर्माण की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो प्रधान एक प्रमुख अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं, उनका मानना है, कहना है कि जो वेतन उन्हें सरकार द्वारा दिया जाता है यदि वो ना भी मिले, या मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि ना भी मिले तब भी वो चाहते हैं कि एक आजीवन सुरक्षा कवच जो आजीवन आएगा उन्हें या उनके परिवारों को यहाँ मिलना चाहिए, ये उनकी सरकार से अपील है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से।